खबर के साथ। चूंकि दिल्ली एनसीआर में देर रात से झमाझम बारिश हो रही है, बारिश का यह सिलसिला अभी भी जारी है। इस बेमौसम बारिश से धनतेरस के बाजार पर असर पड़ने की आशंका तो है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दिल्ली एनसीआर के हवा में घुल चुके जो जहर है उससे राहत की अब उम्मीद है। साथ ही आपको बता दें कि बारिश के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज वायु प्रदूषण से बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि इस बारिश की वजह से मौसम में ठंड भी बढ़ेगी, लेकिन प्रदूषण से राहत इस समय दिल्ली वालों के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। हालांकि AQI अब भी कई जगहों पर 400 के पार है। बुधवार को सरकार ने कृत्रिम बारिश के जाने का प्लान भी तैयार किया था, लेकिन प्रकृति ने बरस कर दिल्ली और एनसीआर में रहने वालों को जानलेवा प्रदूषण से राहत दी है। तो कल रात से ही झमाझम बारिश जो है वो हो रही है, फिलहाल बारिश का सिलसिला जारी है। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब था और प्रदूषण की वजह से दिल्ली वाले सांस नहीं ले पा रहे थे, लेकिन ऐसे में बारिश का हो जाना कहीं ना कहीं इस प्रदूषण को कम करेगा और दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत मिलेगी। तो देर रात से बारिश हो रही है, लेकिन दूसरी ओर कहीं ना कहीं अब ठंड ने भी दस्तक दे दी है। ठंड बढ़ती हुई नजर आएगी क्योंकि मौसम अब ठंडा हो गया है, बारिश हो रही है कल से ही झमाझम, लेकिन प्रदूषण से लोगों को राहत मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर अपना एक्शन प्लान भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी और साथ ही ऑड इवन को लेकर अपनी स्टडी रिपोर्ट पेश सुप्रीम कोर्ट में करेगी और साथ ही आपको बता दें जिसके बाद दिल्ली में ऑड इवन लागू करने का फैसला भी लिया जा सकता है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर अपना एक्शन प्लान सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी और ऑड इवन को लेकर अपनी स्टडी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी, जिसके बाद दिल्ली में ऑड इवन लागू करने पर फैसला लिया जाएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि 20-21 नवंबर को दो चरणों में आर्टिफिशियल बारिश कराई जा सकती है। इस दौरान पहले चरण में 300 वर्ग मीटर और दूसरे चरण में 1000 वर्ग मीटर का एरिया कवर किया जाएगा। आर्टिफिशियल बारिश कराने में करीब 13 करोड़ रुपए खर्च होंगे और वो उसका सारा खर्च उठाने को तैयार है। इस बीच गुरुवार को दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बारिश की संभावना जताई है, जिसके बाद प्रदूषण से कुछ राहत मिल सकती है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में भी प्रदूषण बढ़ने के बाद प्रशासन हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए काम कर रहा है। यहां भी प्रदूषण कम करने और सड़कों पर गाड़ियों की संख्या में कमी के लिए ऑड इवन की तर्ज पर नया नियम लागू किया जा सकता है।